अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ मैं आप लोगों के लिए। तबीयत ख़राब थी मेरी, इंशाल्लाह अब कंटिन्यू रहेगा, जो है ना कंटिन्यू करूँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं जो है ना बुक वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फ़िलहाल मैं एप्टीट्यूड के हवाले से चैप्टर वाइज में काम कर रहा हूँ। अच्छा, एप्टीट्यूड के हवाले से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जितने चैप्टर हैं सारे जो है ना इंपॉर्टेंट हैं, सब में से कोई ना कोई एक आध सवाल देते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। मिसाल के तौर पर सीक्वेंस एंड सीरीज़ हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डेरिवेटिव हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, इन सब से ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन मैं एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद जब मैं ये टॉपिक, मैं सबसे पहले टॉपिक कवर करूँगा, टॉपिक के जितने फार्मूले हैं, क्या क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। उसके बाद जो है ना मैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बना के सॉल्व करूँगा। फिर उसके बाद जो है ना मेरे पास ये NID की पास्ट पेपर की बुक है, सही है ना आपके लिए, तो इसमें जो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सारे आपको सॉल्व कर दूँगा। सही है, सारे चैप्टर तो फ़िलहाल इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि ठीक ठाक चीज़ें आपके लिए सॉल्व कर दूँ। अल्लाह ने हिम्मत दी तो यकीनन ऐसा करूँगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, पहला टॉपिक मेरा है प्रोबेबिलिटी। ये दरअसल तीन चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी से तो लाजमी एक दो सवाल देते हैं और हर एप्टीट्यूड में देते हैं, कहीं का भी एप्टीट्यूड हो प्रोबेबिलिटी के सवाल लाजमी होते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी हम नंबर ऑफ चांस को कहते हैं। नंबर ऑफ चांस, अवेल ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक हमारे पास होता है स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट द प्रोसेस बाय विच, इसकी डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑब्जर्वेशन मेड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन बन जाए इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन बन जाए से मुराद ये है कि क्या हो, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम एक डाई रोल कर दें, ये ऑब्जर्वेशन बन गया हमारे पास। एक डाई को जब रोल किया जाता है तो उसमें 6 डिजिट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनमें से कुछ भी आ सकता है, ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है। प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं इवेंट का, वो जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट हमने किया, डाई रोल किया, बहुत सारे चांसेस हो सकता है उस पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, अलग अलग हम एक्सपेरिमेंट बना सकते हैं, इवेंट बना सकते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इवेंट क्या होता है? इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दी जाती है। ये तो सेट हो गया कि हमने ऑब्जर्वेशन, जैसे एक सेट है में जितने एलिमेंट होते हैं, यूनिवर्सल सेट होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसके कुछ हम सबसेट बना लेते हैं, वो जो सबसेट बनाते हैं उसके हम जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी होती है। इवेंट क्या होता है? इवेंट हमारे पास एनी सबसेट एनी सबसेट ऑफ एन स्टेटिस्टिकल डेटा या ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड इवेंट। ये जो स्टेटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है इसके आउटकम को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल होता है जो ना इसका इसका निकालने का फार्मूला हमारे पास है, आउटकम्स ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जर्वेशन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन आउटकम्स हैं स्टेटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट का जो वाकया हुआ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब उसके जो हम जैसे जैसे सबसेट बनाते जाएंगे उनका आउटकम्स निकलता आएगा, उससे उसे डिवाइड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बारे में एक बात, दो बातें याद रखने वाली ये हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी ग्रेटर देन वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कभी वन से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि हम परसेंटेज में नहीं निकालते, 100 नहीं आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब पूरे चांसेस है, 1 से बिलो होता जाएगा, जितने कम होते जाएंगे वैसे चांसेस कम होते जाएंगे। और अगर 1 आ जाएगा, अगर 1 आ जाए तो 1 कुछ किस सूरत में आएगा, इफ स्मॉल एन इक्वल हो जाए कैपिटल एन के, तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 के, दोनों की वैल्यू सेम है। और तीसरा हमारे पास ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। जाहिर सी बात है जब कोई वाकया होगा देन हम उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सही है ना। तो वाकया होगा तो कुछ ना कुछ उसके चांसेस होंगे, नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा। तो ये दो तीन बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हमने याद रखना है, ठीक है जी। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड छोटी चीज़ें थी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ कॉइन से। आइए कॉइन वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मैं लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वैसे मैंने कहा ना कि ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जाम्पल से बनाऊंगा फिर पास पेपर वाले क्वेश्चन कर दूंगा। कह रहा कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ये वाकया हुआ। दो कॉइन टॉस किया गया, दो कॉइन टॉस। तो बास चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें जो है ना सैम्पल स्पेस बनाना होता है। सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस स्टेटिस्टिकल जो है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी डेटा की। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेटिस्टिकल डेटा इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, हम उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे वो कह रहा है कि दो कॉइन आर टॉस किया गया, अगर हम दो कॉइन टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, आइए देखते। हो सकता है पहले वाले पर भी हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए। हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर टेल। हो सकता है पहले वाले पर टेल, दूसरे वाले पर हेड। हो सकता है पहले वाले पर भी टेल आ जाए, दूसरे वाले पर टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये सैम्पल स्पेस है इसका। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसका अगर हम निकालना चाहें तो एक कॉइन के दो रिजल्ट हैं, दो कॉइन टॉस किया गया तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा 4। ये डायरेक्ट करेंगे हम, वैसे तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अभी आपको आदत पड़ जाएगी, डायरेक्ट कर देंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कह रहा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, बोथ हेड्स, दोनों हेड आ जाए। तो इस डेटा को देख के पता चल रहा कि दोनों हेड आने के एक ही चांसेस है, यानी ये इवेंट हो गया, इसका आउटकम आ गया। इसके आउटकम को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम पहले आया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इवेंट दिया हुआ है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1 डिवाइडेड बाई, ये आंसर। चूंकि मुझे तो एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आपने भी डायरेक्ट सॉल्व करना है। अगर वो कहते हैं कि वन हेड एंड वन टेल, जैसे पार्ट टू में कहते हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी वन हेड, एक हेड आने की, वन टेल लिखने की जरूरत नहीं है। तो वन हेड आने की ये दो प्रोबेबिलिटी, एक ये और एक, ये तो दोनों हेड आने की है, ये तो दोनों टेल आने की, यहाँ तो हेड ही नहीं है। तो इवेंट का आउटकम, इस इवेंट का आउटकम हो गया हमारे पास 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे हम,
स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 2 डिवाइडेड बाई 4, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हम पहले ही निकाल चुके हैं। सही है, यहाँ पे दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज हुई है, एक टर्म यूज होगा एट लीस्ट और एक यूज होगा एट मोस्ट। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है एटलीस्ट वन हेड, तो एटलीस्ट वन का मतलब हुआ वन और मोर देन वन। टू कहता तो वन टू और मोर देन टू, सही है ना। थ्री कहता तो थ्री और मोर देन थ्री। मोर देन थ्री कितना या मोर देन टू कितना, जाहिर सी बात है वन हेड का मतलब वन आएगा या ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं, और तो चांस ही नहीं है ना, 3 या 4 के चांस ही नहीं है। इसी तरह अगर वो कहता है एट मोस्ट वन हेड, तो इसका मतलब वन और लेस देन वन। तो एट मोस्ट का जब यूज करेगा तो इसका मतलब वन से लेस कुछ भी नहीं, वन भी नहीं वो भी नहीं, और वन से ग्रेटर यानी 2 3 जहां तक है वहां तक हम लेंगे। मिसाल के तौर पे वो कह दे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। तो इवेंट का आउटकम निकालने, वन हेड आने के तो दो चांसेस हैं, एक ये और एक एटलीस्ट का लफ्ज यूज किया, इसका मतलब वन और मोर देन वन, तो ये चांस भी आ जाएगा, यानी दोनों भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इवेंट का आउटकम 3 हो गया, 1 2 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि एट मोस्ट 2 हेड, ऐसे लिख रहा हूँ, एटमोस्ट 2 की बात कर रहा, 2 और मोर देन 2, 2 से लेस नहीं जाएंगे, सॉरी 2 और लेस देन 2, 2 और लेस देन 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड के चांसेस कितने हैं, ये लेस देन 2 हेड के, एक ये और एक ये, यहाँ भी हमारे पास 3 चांस हैं। तो इवेंट का आउटकम 3 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई 4। अगर वो कह देता फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 ही लिखते हैं, 2 10। एटलीस्ट का लफ्ज यूज किया, एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और मोर देन 2, तो 2 10 आने के हमारे पास बस ये एक चांस है, मोर देन 2 तो है नहीं, लेस देन 2 है, सही है ना। तो इसका मतलब इवेंट का आउटकम हो गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे हम तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 2 कॉइन टॉस किया था हमने, आइए हम 3 कॉइन टॉस करके देखते हैं। 3 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ आप कहीं से। तो अगर वो कह देता है कि 2 कॉइन्स आर टॉस कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं 2 के बजाय यहाँ लिख दूँ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो फिर उस सूरत में होगा क्या, जब 3 कॉइन टॉस किया जाएगा तो हमें वही सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा। ये 2 कॉइन वाला बना रहा हूँ जो अभी इससे पहले मैंने बनाया था, पहले पर हेड दूसरे पर हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, पहले पर टेल दूसरे पर। 3 कॉइन टॉस किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 कॉइन के 2 रिजल्ट है, 3 3 कॉइन टॉस किया गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 8। 8 कैसे बनेगा, ये 4 बन गया 2 के लिए, हम 4 और इसके आगे बना,
सेम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, पहले पर है दूसरे पर है, एच टी टी एच टी टी। अब हम फर्स्ट फोर में टी गार्ड एच का इजाफा कर दें और लास्ट फोर में टी का इजाफा कर दें, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट टॉस होने के रिजल्ट आ गए 8। देख लीजिए, पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड, तीसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर हेड, तीसरे, सारे अलग अलग हैं। तो अगर हम 3 पॉइंट टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा। इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। वही नंबर एक, जैसे कह दे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इवेंट का आउटकम। टू हेड के कितने चांसेस हैं ये हमें सैम्पल स्पेस देख के पता चलना है। एक चांस ये है, एक चांस ये है, एक चांस ये है, बस और नहीं है, तीन चांसेस हैं। तो इवेंट का आउटकम 3 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई। अगर वो कह दे फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड एंड टू टेल, सही है। तो वन हेड और टू टेल के भी हमारे पास चांसेस देखिए, ये रहा वन हेड टू टेल, वन हेड टू टेल, वन हेड टू टेल, तीन चांसेस हैं इसके भी। तो इवेंट का आउटकम हो जाएगा 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा हमारे पास स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाई। अगर वो कहते हैं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया। एट लीस्ट वन का मतलब वन और मोर देन वन। तो वन टेल वाले भी हम काउंट करेंगे, टू टेल वाले भी काउंट करेंगे और 3 टेल वाले भी काउंट करेंगे। तो ये तीनों हमारे पास वन टेल वाले हैं, टू टेल वाले ये रहे, ये रहे और ये रहे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6। और एटलीस्ट कह रहा गया वन, एटलीस्ट वन टेन, सही है ना, एटलीस्ट वन टेन, यानी 1 2 3 तीनों आएंगे। तो क्योंकि वन टेन भी है, टू भी है, एटलीस्ट का लफ्ज यूज़ किया। एटमोस्ट कहता है वन टेन का, इसका मतलब वन और कोई भी नहीं। तो हम बोले थे, अभी मैं बना रहा हूँ आपको, तो इसके टोटल नंबर ऑफ चांसेस 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें वन टेन वाले भी चांसेस हैं, टू टेल वाले भी चांसेस हैं और 3 टेल वाले भी चांसेस हैं। तो इवेंट का आउटकम हो गया 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो हम आ जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 7 डिवाइडेड बाई 8। अगर वो कहता है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एटमोस्ट 1 टेन, एटमोस्ट 1 टेल कह रहा है, इसका मतलब वन और लेस देन वन। 1 टेल के हमारे पास 3 चांसेज हैं, 1 चांस 2 चांस 3 चांस, और वन से कम एक चांस, ये कि कोई भी टेल नहीं है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ चांसेस बन गए 4, स्मॉल एन आ गया 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे हम, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 4 डिवाइडेड बाई 8, 1/2 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद, 1/2 ये आंसर, सही। तो एटलीस्ट वन या टू कह, तो 1 को 2 कॉइन टॉस किया गया, 3 कॉइन टॉस किया गया। इसी तरह अगर वो हमें कहता है कि 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 4 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 16। सेम यही बनाएंगे, 2 से 4 बनाएंगे, जिस तरह ये बनाया था। देखिए मैं आपको 4 के लिए ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, वैसे 4 तो बहुत लेंथी हो जाएगा, देगा नहीं वो, ये मैं 2 के लिए बना रहा हूँ। 2 से ही स्टार्ट करेंगे बनाना हम, फिर 2 से 3 पर जाएंगे, 3 से फिर 4 पर जाएंगे। ये रहा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल,
इससे चार और बनाया था हमने, हेड यही उतारेंगे, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। यहाँ पे फर्स्ट फोर में एच लगा देंगे और लास्ट फोर में टेल लगा देंगे। टेल लगाएंगे, ये बन गया थ्री कॉइन का। फोर कॉइन अगर हम टॉस करते तो 16 रिजल्ट आता, यही बनाते हैं एज इट इज पूरा। ये एज इट इज उतार देंगे, एच 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 टी एच 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 टी एच टी 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 एच एच टी टी एच, सही है ना, और टी एच टी 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 टी। अब फर्स्ट एट में एच लगा देंगे, लास्ट एट में जो है ना टेन लगा देंगे। फोर कॉइन के लिए आ गया आपके पास। तो इस तरह हम बनाते चले जाएंगे, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए, फोर कॉइन टॉस किया गया हमने, ठीक है ना। तो सेम दो से हमने चार बनाए, सही है ना, दो से दो, पहले दो वाले बनाए हमने, फिर जब तीन कॉइन टॉस करेंगे तो एट रिजल्ट आएगा, उसी को चार और आगे बढ़ा देंगे, सारे एज इट इज कॉपी करेंगे। फर्स्ट फोर में हमने एच लगा दिया था, लास्ट फोर में हमने टेन लगा दिया था, फिर हमने आठ से 16 बनाया तो एज इट इज कॉपी किया। फर्स्ट एट में हमने एच लगा दिया था, लास्ट एट में आखिर में टेन लगा दिया था, तो थ्री कॉइन और टॉस। ये कॉइन के हवाले से है। तो ज़्यादातर आपको दो कॉइन टॉस करने के लिए दिया जाएगा या तीन कॉइन टॉस करने के लिए दिया जाएगा, उससे रिलेटेड ये सारे सवाल बनेंगे। अच्छा, ये जब तक हम सैम्पल स्पेस नहीं बनाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो कॉइन के इससे रिलेटेड ये सवाल, ठीक है जी। हम लोगों ने कॉइन वाले क्वेश्चन कर लिए प्रोबेबिलिटी के हवाले से, अब हम डाई वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि इफ अ डाई इज रोल्ड, एक डाई रोल किया गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास आ जाएगा सिक्स। यानी सैंपल स्पेस बनाए तो डाई को अगर हम रोल करें तो या तो उस पर वन आएगा, या टू आएगा, या थ्री आएगा, या फोर आएगा, या फाइव आएगा, या फिर सिक्स आएगा, सही है ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया सिक्स, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इवेंट वो मुख्तलिफ कंडीशन के तहत कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे वो कहे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर आने के हमारे पास तीन चांसेस हैं, वन थ्री एंड फाइव। तो इवेंट का आउटकम हो जाएगा हमारे पास थ्री। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे हम, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स, वन बाई टू। अगर वो कहते क्वेश्चन के फाइंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन फोर, तो लेस देन फोर आने के हमारे पास तीन चांसेस हैं, वन टू थ्री, यहाँ भी यही है। इवेंट का आउटकम थ्री हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ये आ गया आंसर। अगर वो कह दे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन फोर, ग्रेटर देन फोर आने के हमारे पास दो चांसेस हैं, फाइव या सिक्स। इवेंट का आउटकम हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, टू डिवाइडेड बाई सिक्स, वन बाई थ्री। इसी तरह अगर वो कहते हैं हमारे पास फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो है ना ऑड नंबर कह रहा है, इवन नंबर कह रहा, सही है ना, लेस देन सिक्स,
लेस देन सिक्स के फाइव चांसेस हैं, 5, 4, 3, 2, 1। इवेंट का आउटकम 5 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कर, सबकी प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है। मैंने कहा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 होगा हमेशा और ना ही नेगेटिव होगा। 1 डाई रोल किया गया। अब अगर हमें कहे कि 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक है जी, तो अगर 2 डाई रोल्ड किया जाए If two dice are rolled, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाल लें। एक डाई के 6 रिजल्ट होते हैं, 2 डाई रोल किया गया 36, जिस तरह कॉइन में हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सैंपल स्पेस आपको बनाना होगा। देखिए, हो सकता है पहले वाले पर भी वन आ जाए, दूसरे वाले पर भी वन आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे वन आ जाए, दूसरे पे टू, वन और थ्री, वन और फोर, वन और फाइव, वन और सिक्स, टू और वन, टू और टू, टू और थ्री, टू और फोर, टू और फाइव, टू और सिक्स, थ्री और वन, थ्री और टू, थ्री और थ्री, थ्री और फोर, थ्री और फाइव, थ्री और सिक्स, फोर और वन, फोर और टू, फोर और थ्री, फोर और फोर, फोर और फाइव, फोर और सिक्स, फाइव और वन, फाइव और टू, फाइव और थ्री, फाइव और फाइव, फाइव और फोर, फाइव और फाइव, फाइव और सिक्स, सिक्स और वन, सिक्स और टू, सिक्स और थ्री, सिक्स और फोर, सिक्स और फाइव, सिक्स और 36 हो गए, काउंट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ आउट। अब वो डिफरेंट इवेंट बनाएगा, ये जो सेट हो गया, सबसेट डिफरेंट बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैं 8-10 सवाल बना दे रहा हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, of getting same number on both। यहां से देख के पता चलेगा सेम नंबर के हमारे पास ये चांसेस है। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, सारे डिफरेंट है। सेम नंबर के इवेंट का आउटकम हो गया 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 36, 1/6, ये आंसर हो जाएगा। वो कहते फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन डाइस ट्वाइस ऑफ अदर, एक डाइस पे जो नंबर है दूसरे पर उसका डबल हो। देखिए एक ये रहा, वन है दूसरे पर उसका डबल, टू है दूसरे पर उसका डबल, थ्री है दूसरे पर उसका डबल है, टू है पहले पर उसका डबल है। इसने ये नहीं बताया कि पहले पर जो है दूसरे पर उसका डबल, इसका मतलब कहीं भी कुछ हो सकता है। एक पर फोर, एक पर टू, डबल हो गया, सही है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 3। तो इसके भी टोटल नंबर ऑफ चांसेस हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 चांसेस हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो हम इवेंट का आउटकम हो गया हमारे पास 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अगर वो कह देता कि फाइन
आउट प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 10 ऑन बोथ अब दोनों का सम 10 होना चाहिए तो दोनों का सम 10 आने के हमारे पास चांसेस ये है 6 और 4 10 5 और 5 10 6 और 4 10 इसके अलावा और कोई चांस नहीं इवेंट का आउटकम हमारे पास आ गया 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे कैंसिल हो जाएगा 1 बाई सारे इसी से बनेंगे सम ऑफ जो है ना लेस देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी सम लेस देन 10 लेस देन 10 के हमारे पास बहुत सारे चांसेस आ जाएंगे इसी का बना लेते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ तो लेस देन 10 ये सारे आ जाएंगे अब पहला वाला यहाँ तक 1 2 3 सबका सम लेस देन 10 है ये यहाँ तक आ जाएगा ये यहाँ तक आ जाएगा ये भी सारे आ रहे हैं सम ऑफ लेस देन 10 ये 10 आ गया यहाँ तक आएगा ये यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 में 6 ऐड करेंगे 30 6 बच गया हमारे पास इवेंट का आउटकम 30 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 30 डिवाइडेड बाय 36 कैंसिल हो जाएगा 5 6 6 5 जा 30 6 6 जा 36 लेस देन तो मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं टू डाइस आर रोल्ड जब दो डाई रोल किया जाएगा तो देन जो है ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने की ये करनी चाहिए ठीक है जी कुछ सवाल मैंने कर दिए ऑड नंबर ऑन बोथ दोनों पर ऑड नंबर आ जाए ये ऑड नंबर है ये ऑड नंबर है ये दोनों पर ऑड नंबर है यानी ऑड नंबर हम ऑन बोथ लिखेंगे जैसे वो कहे कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन बोथ या इवन नंबर ऑन बोथ ऑड नंबर ऑन बोथ की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये है ये दोनों ऑड नंबर है ये दोनों ऑड नंबर है ये दोनों ऑड नंबर है यहाँ आ जाइए ये दोनों ऑड नंबर है ये दोनों ऑड नंबर है ये दोनों ऑड नंबर ये दोनों ऑड नंबर है ये दोनों ऑड नंबर है ये दोनों ऑड नंबर थ्री इसमें थ्री इसमें थ्री इसमें 9 हो गया इवन का आउटकम हो गया 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन 9 डिवाइडेड बाई 36 1 बाई 4 बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपको बना बस अब ये भी कह सकता है कि टू डाइस आर रोल्ड जो है ना टू नंबर्स आ रहे पेयर आर डिफरेंट दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए तो इसका मतलब सेम वाले सारे निकल जाएंगे सही है ना अब वो कहें कि फाइंड द सम ऑन बोथ यानी जो है ना डिफरेंट तो आ रहे हैं सम ऑफ 10 ऑन बोथ अगर सम ऑफ 10 कहता तो ये लेते ये नहीं लेते क्योंकि डिफरेंट नंबर दोनों पर आ रहे हैं ये दोनों सेम है ये लेते दो होता सही है ना टू डिफरेंट नंबर आ रहे पेयर ऑन बोथ अगर दोनों पर दो डिफरेंट नंबर नज़र आएंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी तो ये हमारे पास कॉइन से सॉरी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे पहला वाला हमारे पास कॉइन से था दूसरा वाला हमारे पास डाइस से था बहुत सारे बनेंगे एटलीस्ट और एडमॉस भी यूज़ किया जा सकता है सही है ना एटलीस्ट जो है ना सम ऑफ 10 ऑन बोर्ड सम ऑफ 10 का मतलब 10 जैसे मैं एक बना दूँ एटलीस्ट कह रहा सम ऑफ 10 या 10 से ग्रेटर तो हमारे पास सम ऑफ 10 ये आ रहा 4 5 ये सम ऑफ 10 आ गया उसके बाद 10 से ग्रेटर ये है तो 3 ये हैं और 3 ये हो जाएगा 6 इवेंट का आउटकम हो जाएगा हमारे पास 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन 6 डिवाइडेड बाई 36 1 बाई 6 ये आंसर तो डाइस से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेगा अगर आप ये डायग्राम बना लेंगे तो उसके बाद जो सवाल कहेगा बड़ी तेज़ी से आप जो है ना उसका आंसर निकाल लेंगे तो हम लोगों ने कॉइन के क्वेश्चन कर लिए डाई के क्वेश्चन कर लिए अब हम कार्ड वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं
कार्ड से रिलेटेड। अब पहले आपको समझना होगा, कार्ड जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 है, किसी भी डेक में पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52। इसमें हमारे पास दो कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर, ये इसके टोटल नंबर ऑफ कार्ड 26 होते हैं, एक होता है ब्लैक, इसके भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड 26 होते हैं। रेड कलर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को हम कहते हैं डायमंड और एक को हम कहते हैं जो है ना हार्ट, दिल बना हुआ होता है। 13 इसके कार्ड होते हैं, 13। ब्लैक भी दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को हम कहते हैं कलब, वही हार्ट ही बना होता है लेकिन ब्लैक कलर का होता है, और एक को कहते हैं स्पेयर, फूल बना हुआ था उस पर 13। 26 प्लस 26 52 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 52, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। दो कलर हैं रेड और ब्लैक, 26 रेड कार्ड 26 ब्लैक कार्ड। अच्छा, रेड कार्ड दो हिस्सों में डिवाइड है, एक का नाम डायमंड है और एक का नाम हार्ट है। ब्लैक कार्ड भी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक का नाम क्लब है और एक का नाम स्पेयर है। 13 कार्ड स्टार्ट होता है एसिस से, ए से, बाकी नंबर स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक नंबर होता है। 11 नहीं होता, उसकी जगह जे लिखा होता है, जैक। 12 नहीं होता, उसकी जगह क्यू लिखा होता है, क्वीन। और 13 नहीं होता, उसकी जगह किंग लिखा होता है, 13 हो गया। अभी देखा हूँ कि ये हर कार्ड 4 टाइम होता है, ये 4 टाइम है। इसमें दो रेड कलर के होते हैं, दो ब्लैक कलर के होते हैं, इसमें भी दो रेड कलर के होते हैं, दो ब्लैक कलर के होते हैं, हर एक दो रेड दो ब्लैक दो रेड, सही ना। 4, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52 आ जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड है, सही है ना। अब कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनेंगे जो आपके पास दिए हुए हैं। आइए मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। मैंने कहा कि कार्ड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये से लेके मिसाल के तौर पर वो कह रहा है A card is drawn. From a deck of 1 कार्ड ड्रॉ किया गया, सही। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालना। यहाँ आपके पास वो कंडीशन नहीं बनेगी, आपके पास टोटल 52 कार्ड है, उसमें से एक ही आपने ड्रॉ करना है। प्रोबेबिलिटी निकालते हुए हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सही है ना। परमुटेशन निकालते हुए हम कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते, वहाँ परमुटेशन पी यूज करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 52 आ जाएगा। 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ करना, आप वो कोई भी हो सकता, सही ना, उसने कोई शर्त नहीं रखी है, कोई सा भी कार्ड हम ड्रॉ कर लें। तो एक कार्ड जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो 52 आता रहेगा, और अगर दो कार्ड ड्रॉ करने के लिए कहते हैं तो 52 C2 निकालेंगे, उस सूरत में वो 13 26 आ जाएगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, 2 कार्ड के लिए बहुत कम देते हैं। अब वो इवेंट दे रहा हूँ, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, रेड कार्ड होना चाहिए। इवेंट का आउटकम निकालेंगे तो रेड कार्ड हमारे पास टोटल 26 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना, ठीक है, वन बाई टू, ठीक है। वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये, तो कंडीशन बना दी मैंने आपके लिए कि 52 कार्ड है। क्वेश्चन बना रहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
किंग, क्वीन, और जैक। एक कार्ड ड्रॉ किया जाए, या तो वो किंग हो या क्वीन हो या फिर जैक हो, एक टाइम में एक ही चीज़ ड्रॉ होगी, तो इवेंट का आउटकम निकालना। किंग हमारे पास फोर है, जाहिर सी बात है हम फोर में से एक निकालेंगे जब ही किंग निकलेगा। क्वीन भी हमारे पास फोर है, उसमें से एक निकालेंगे तब भी निकलेगा। जैक भी हमारे पास फोर है, एक ही कार्ड ड्रॉ करना है। तो ये फोर प्लस फोर प्लस फोर, और का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है तो हम प्लस करेंगे, या तो किंग निकाल लें या क्वीन निकाल लें या किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा। टू के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 2 2 4 और 1 बचा 2 6 12। फिर 3 के टेबल से, सॉरी 2 के टेबल से, 2 3 6 ये आ जाएगा। जैसे सवाल बना दे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एनेक एसिस। तो इवेंट का आउटकम, 4 एसिस होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे। या ठीक है जी, वो कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड। डायमंड के 13 कार्ड है, डायमंड के कार्ड को डिफाइन नहीं किया, कोई सा भी नहीं किया। तो इवेंट का आउटकम 13, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे। कह सकता है कलम, हार्ट, सही है ना, वट एवर जो चाहे वो कह दे, सही है ना। जैसे कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड और कलर, तो इवेंट का आउटकम हो जाएगा डायमंड 13 है, और कह रहा कलर भी 13 है। इवेंट का आउटकम आ गया हमारे पास स्मॉल एन डिवाइडेड बाई 1/2। तो मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं कार्ड से रिलेटेड, कार्ड की ये कंडीशन है, आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी और उससे वो सवाल बनेंगे। तो अब मैं जो है ना बुक पर जा रहा हूँ, एनएडी वाले बुक पर, जो पास पेपर के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सबसे सवाल दिया हुआ है। तो अभी तो मैं प्रोबेबिलिटी में आपको समझा रहा था, तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं डाइस के, कॉइन के और उनके, फिर उसके बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर भी आएंगे। आइए जी, मैं बुक से समय सवाल भी लिख दे रहा हूँ और जो है ना आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा। कह रहा है डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर। सवाल ये है हमारे पास, ये भाई एनएडी की बुक है, ठीक है, उसके पास पेपर के जो क्वेश्चन है वो मैं कर रहा हूँ। कह रहा है डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एन ऑड नंबर। What is the probability to get an odd number? हमें पता है जब हम डाइस थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 आएगा, एक डाई थ्रो करेंगे, अभी बता कर आया आपको। तो इवेंट का आउटकम हो गया, सॉरी एक्सपेरिमेंट का आउटकम हो गया 6। इवेंट कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की, तो इवेंट का आउटकम हो जाएगा हमारे पास 3, ऑड नंबर 3 है, 1 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, 3 डिवाइडेड बाय 6।
आ जाएगा 1/2 ये आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन था इसमें। दूसरे में कह रहा है कि फोर कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल डायमंड। फोर कार्ड ड्रॉ करने के लिए कह रहा, लेकिन छोटा सा सवाल बनाया, आसानी से हो जाएगा। ये नंबर जो है ना आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं तो फिलहाल कैलकुलेटर से कर दे रहा हूँ आपको याद रखने का। फोर्थ कार्ड का मतलब 52C4, अब 52C1 तो 1 आता है, 52C2 1326 आता है, 3-4 तक याद रखिए वैल्यू निकाल के कैलकुलेटर से। हमारे पास सवाल ये है, फोर कार्ड आर ड्रॉन, 4 या 5 तक की वैल्यू याद रखिए। कह रहा है कि फोर कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, और 52 कार्ड्स। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल डायमंड। सही है ना, यहाँ पे उन्होंने सॉल्व करने के लिए दिया, बाज़ दफ़ा वो सॉल्व करने के लिए नहीं देते। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास इस सवाल का हो जाएगा 52 में से 4 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। हम चाहें तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, बाज़ दफ़ा एग्ज़ाम में दिया होगा इसी फॉर्म में, क्योंकि बड़ी वैल्यू है 52C4। अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 270725, ये आ गया कैपिटल। अच्छा इवेंट का आउटकम हम निकालेंगे, कह रहा है सारे के सारे डायमंड होने चाहिए, डायमंड 13 है, 13C4 निकाल लें, 13C4 750, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे, ये आ जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल 715 डिवाइडेड बाय 2707725। इन्होंने कैंसिल करके दे दिया आपको आंसर, लेकिन ऐसा देंगे नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है, या तो आपको इस फॉर्म में आंसर देंगे 52C4 और यहाँ लिख देंगे 13C4, ये आंसर लिख देंगे, या ये आंसर लिख देंगे, यहाँ पे फिलहाल ऐसा दिया हुआ है। सही है जी, अगर हम 270725 को डिवाइड कर दें 715 से, बड़ी वैल्यू है, तो आपके पास जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 4165 डिवाइडेड बाई 11, इसी को सॉल्व करके ये आंसर आया। आपको उस फॉर्म में आंसर देंगे, ये पहला सवाल दिया हुआ है लेकिन आंसर उन्होंने इसी फॉर्म में दिया हुआ है एनएडी की बुक में। तो आप एक कार्ड ड्रॉ किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, दो कार्ड ड्रॉ किए जाए तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1326 1326, 3 कार्ड और 4 कार्ड के लिए ये हमारे पास एक ही सवाल दिया हुआ है उन्होंने। आइए देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, कह रहा है फेयर डाई इज रोल्ड वंस, दोबारा वही फेयर डाई है, वन टाइम रोल किया जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9। कह रहा डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 एक्सपेरिमेंट का आउटकम ये आ गया 6,
सारे लेस देन 9 है, इसका मतलब स्मॉल कैपिटल एन हमारे पास आ गया 6, और इवेंट का आउटकम भी आ जाएगा 6, सारे के सारे नंबर लेस देन 9 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे 6 डिवाइडेड बाई 6, इसमें आंसर में लिखा हुआ है आपके पास 1 ऑप्शन में। देयर आर टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज 9, उनका सम क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, टू डाइस आर रोल्ड, क्वेश्चन ये है। उनका सम 9 पहले वाले रो में हमें 1 से 6 तक है, सबको सम करेंगे तो 1 और 6 7 होता है, यानी पहले वाले रो में 6 आ गया। दूसरे वाले रो में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 6 तक है, सबको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास जो है ना 2 और 6 8 होता है 9, यानी पहले वाले के भी 6 आ गए, दूसरे वाले के भी 6 आ गए। तीसरे वाले में आएंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 और 6 9 होता है, वो कह रहा लेस देन 9, देयर सम इज 9, यानी तीसरे वाले का भी 6, थर्ड के थर्ड, यानी सारे के सारे ऑप्शन आएंगे हमारे पास। चौथे वाले में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 9 हो गया, 4 6 10 होता है, यानी चौथे वाले में 5 आएगा। पांचवे वाले रॉ में अगर आप काउंट करें तो 5 1 5 2 5 3 5 4 9 हो गया, सही है ना, यानी 4 आया, और ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और छठे वाले में 6 3 तक, यानी 3, इन सबको सम करें तो ये हो गया 18 18, और जो है ना 6 प्लस 6 प्लस 6 18 18, और 2 23 20 23 24 23 में 4 ऐड करेंगे 27 30, यानी इवेंट का आउटकम आ गया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे पास 2.5 रोल किया जाए 36, इवेंट का आउटकम आ गया हमारे पास 30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो आ जाएगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 36, 6 5 36 6 6 36, 5/6 ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास 5/6, सो है ना, टू डाइस आर रोल्ड, 5/6 नहीं लिखा हुआ है, 5/12 लिखा हुआ है, कितने आ रहे हैं 18 20 23 24 27 30, टू डाइस आर रोल्ड, क्या कह रहा है, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज 9, उनका सम क्या होना चाहिए, अच्छा सॉरी, उनका सम लेस देन 9 नहीं, बल्कि सम इज 9 होना चाहिए, मैंने गलत किया, सॉरी, देयर सम इज 9, लेस देन 9 नहीं, तो 9 में हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो हमारे पास एक आएगा 4 और 5 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और कुछ भी 9 नहीं आएगा, 4 आ गया, तो इवेंट का आउटकम आ गया 4, तो ये आ जाएगा 4, 4 1 4 4 9 36, ऑप्शन में 1/9 लिखा हुआ है आपके पास, 1/9, ठीक है जी, तो ये दिया हुआ है। मैं समझ रहा था कि सम ऑफ, मैंने इस कंडीशन में कर दिया था वो कि देयर सम इज 9 और लेस देन 9, तो वो सारे आते हैं हमारे पास 30, सिर्फ वो कह रहा है कि देयर सम इज 9, तो 9 आना चाहिए, 9 के हमारे पास ये 4 चांस हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी का, एनएडी पास पेपर का, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जरा डिफरेंट टाइप के थोड़े सवाल है, कह रहा है कि व्हेन अ गर्ल वेक अप, सही है ना, ईच मॉर्निंग, सवाल ये है, व्हेन अ गर्ल वेक्स अप ईच मॉर्निंग, द प्रोबेबिलिटी दैट शी फील्स हैप्पी इज 9/10। आगे कह रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल फील हैप्पी
वेन शी वेक्स अप ऑन बोथ मंडे एंड ट्यूजडे नेक्स्ट वीक. हैप्पी वेन वो कह रहा वट इज़ द प्रॉबिलिटी डैट शी विल फील हैप्पी. वट इज़ द प्रॉबिलिटी डैट शी विल फील हैप्पी वेन शी वेक्स अप ऑन बोथ. मंडे एंड ट्यूजडे ये प्रॉबिलिटी दी हुई है. कह रहा है कि एक गर्ल है वो डेली उठती है तो वो हैप्पी महसूस करती है और उसकी हैप्पी की प्रॉबिलिटी उस खुश होने की प्रॉबिलिटी दी हुई है 9/10. यानी प्रॉबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस की वैल्यू दी हुई है 9/10. हमें कहना कि व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी डैट शी विल फील हैप्पी. सही है ना. अगर वो कहता है डज नॉट हैप्पी की निकालिए तो हम वन में से ये वैल्यू माइनस कर देते हैं क्योंकि टोटल प्रॉबिलिटी वन होती है तो नॉट हैप्पी की प्रॉबिलिटी आ जाती है. यहाँ वो कह रहा है कि जो है ना व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी डैट शी विल फील हैप्पी व्हेन शी वेक्स अप ऑन बोथ मंडे एंड ट्यूजडे नेक्स्ट वीक. अगले वीक में अगर उठे तो हमें निकालना है मंडे और ट्यूजडे. जाहिर सी बात है वो तो डेली उठती है, उठने के बाद वो हैप्पीनेस महसूस करती है और उसकी प्रॉबिलिटी ये दी हुई है. अब दो दिन की निकालनी है तो टोटल प्रॉबिलिटी हो जाएगी प्रॉबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ मंडे एंड ट्यूजडे एंड कह रहा मल्टीप्लाई करेंगे एंड और कहता तो हम प्लस करते. सही ना. प्रॉबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस ऑन मंडे हमारे पास 9/10 और ये भी आ जाएगा 9/10 तो ये आ जाएगा 81/10 तो ये आ जाएगा 100. जिसको 181 को 0.8 100 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.81 ये आंसर है. हमारे पास दो टर्म है, एक हमारे पास एंड है और एक हमारे पास और है. जिस तरह हम कार्ड वाले में कर रहे थे कि और ब्लैक यानी हमारे पास किंग आ जाए या क्वीन आ जाए या जैक आ जाए तो हमने प्लस किया था और अगर एंड का लफ्ज़ यूज़ होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. सही है ना. और के लिए हम यूनियन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास रूल है सम प्रिंसिपल का, और एंड के लिए हम मल्टीप्लीकेशन का सिंबल इस्तेमाल करते हैं. तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है 0.81. तो हमें वो कह रहा था कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डैट शी विल फील हैप्पी. वो तो हैप्पी महसूस कर रही है जब भी उठ रही है और उसकी प्रोबेबिलिटी ये दी है नेक्स्ट वीक में दो दिन मंडे है ट्यूजडे तो मंडे वाले दिन की हैप्पीनेस की प्रोबेबिलिटी ये रही, ट्यूजडे वाले दिन की भी ये रही. अगर वेनसडे कहता तब भी हम यही लेते एंड वेनसडे कह देता तो एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर देते. क्वेश्चन यही है आपका जिससे रिलेटेड है हमारे पास ये आंसर ऑप्शन दिया हुआ है. अच्छा अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास सवाल क्वेश्चन नंबर 6. कह रहा है द प्रोबेबिलिटी डैट जेनिस डज नॉट स्कोर अ गोल इन एनी पर्टिकुलर गेम 6. द प्रोबेबिलिटी डैट जेनिस Does not score a goal. Does not score a goal in any particular game of hockey. इज 2/3 प्रोबेबिलिटी दी हुई है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इन द फर्स्ट टू गेम्स डैट इन द फर्स्ट टू गेम्स of the session sees of the session she scored
ठीक है, सवाल कह रहा था प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दी हुई है एक लड़की है जैनिस, उसकी डज नॉट स्कोर अ गोल, गोल स्कोर ना करने की कितनी, 2/3 प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2/3 ये नॉट स्कोर अ गोल है। अच्छा, स्कोर अ गोल की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ निकालने क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे, इसका मतलब स्कोर अ गोल, वन में से नॉट स्कोर अ गोल की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, इसका एलसीएम आ जाएगा 3-2, ये स्कोर अ गोल की प्रॉपर्टी हो गई, ये नॉट स्कोर अ गोल की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास, सही है। हमें कह रहा क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द फर्स्ट टू गेम्स, अब वो दो गेम खेल रही है ऑफ द सेशन, सी स्कोर इन बोथ गेम, दोनों गेम में वो स्कोर करें, नॉट नहीं बल्कि स्कोर करें, तो प्रॉबिलिटी हम निकालेंगे तो कंडीशन ये बन जाएगी, प्रॉबिलिटी स्कोर अ गोल इन फर्स्ट गेम पी ऑफ एस से रिप्रेजेंट कर दें, प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ स्कोर अ गोल इन अ सेकेंड गेम बोथ गेम, का मतलब पहले वाले गेम में भी एंड और या जो है ना, बोथ गेम का मतलब पहले वाले गेम में भी और दूसरे वाले गेम में भी, सही है ना, एंड का लफ्ज इस्तेमाल होगा, बोथ गेम से मुराद कि फर्स्ट गेम में भी एंड सेकेंड गेम में भी, और का लफ्ज यूज करता है या तो फर्स्ट में या फिर सेकेंड में, तब हम निकालते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोर अ गोल ऑफ जेनिस दिया हुआ है हमारे पास 1/3, पहले गेम में भी है आएगी दूसरे गेम में भी आएगी क्योंकि उसने पहले ही दे दिया डज नॉट स्कोर अ गोल की प्रोबेबिलिटी है, तो जब जितने गेम भी खेले वो स्कोर अ गोल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1/9, यह ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर आपके पास 1/9 ये आंसर हुआ। आइए जी, इसके बाद वाले क्वेश्चन में कह रहा, ये सारे एनएटी के क्वेश्चन है, पास पेपर के क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, इसके बाद मैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर दूंगा, इसमें गिवन है उससे भी रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन कर दूंगा, अभी तो प्रोबेबिलिटी में सिखा रहा था उसके क्वेश्चन कर रहा था। कह रहा कि वन डे द प्रोबेबिलिटी डेट आई विल ओवर स्लिप इज 1/5, वन डे ऑन एनी डे द प्रोबेबिलिटी डेट आई विल ओवर स्लिप, कह रहा कि ऑन एनी डे द प्रोबेबिलिटी डेट आई विल ओवर स्लिप इज 1/5, दैट आई विल ओवर स्लिप प्रॉबेबिलिटी दी हुई ओवर स्लिप की 1/5, फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट आई विल नॉट ओवर स्लिप ऑन अ पर्टिकुलर डे, हमें प्रॉबिलिटी निकालनी है, आई विल नॉट ओवर स्लिप इन एनी डे, तो ओवर स्लिप की प्रॉबिलिटी दी हुई है, सही है ना, ओ वी से रिप्रेजेंट कर लें 1/5, नॉट ओवर स्लिप की प्रॉबिलिटी निकालनी है, प्राइम से रिप्रेजेंट कर दें, वन में से ये निकाल देंगे, अभी से पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही किया था कि स्कोर की प्रॉबिलिटी दी हुई थी, नॉट की निकाली तो वन में से माइनस कर दी हमने, इसका एलसीएम ले लेंगे 5, ये हो जाएगा 5-1, 4/5, ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है आपके पास 4/5। क्वेश्चन नंबर 8 इसका दिया हुआ है, कह रहा वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग, यहाँ कर देते हैं, कह रहा वन बॉल इज ड्रॉन drawn from a bag containing, one ball is drawn from a bag containing 3 red balls, 2 white balls and 4 blue balls,
इतने बॉल हैं उस बैग में, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बॉल इज नॉट अ रेड वन इज नॉट अ रेड वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। That selected ball not red, ठीक है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने, हमारे पास टोटल नंबर एक बॉल ड्रॉ किया जाएगा, एक बैग में हमारे पास तीन रेड बॉल हैं, दो वाइट बॉल हैं और चार ब्लू बॉल हैं, इन सबको सम करें तो नाइन बॉल होंगे, नाइन में से हमने एक ड्रॉ करना है। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सिलेक्टेड बॉल है, जो ड्रॉन बॉल है वो रेड नहीं होना चाहिए, तो इवेंट का आउटकम हम निकालेंगे, तो रेड बॉल नहीं होना चाहिए, रेड बॉल हमारे पास थ्री है, कह रहा कि जो है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बॉल इज नॉट रेड, इसका मतलब वो वाइट हो जाए या ब्लू हो जाए, तो वाइट दो है और ब्लू सिक्स है, तो इवेंट का आउटकम आ जाएगा सिक्स सी वन सिक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे हम, स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, सिक्स डिवाइडेड बाई 3 2 6 3 3 9, ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 2/3, ठीक है जी। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन में कह रहा, इसके बाद वाले क्वेश्चन में कह रहा कि इफ टू डाइस आर रोल्ड, दो डाई रोल किया जा रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इक्वल टू 8, वही पुराना सवाल आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 9 है इस बुक के हवाले से, इफ टू डाइस आर रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इक्वल टू 8, ये 8 था, दोनों का सम 8 आ, तो हमें पता है दो डाई रोल किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, इवेंट का आउटकम 8 कैसे आएगा, 4 4 3 5 5 3 6 2 2 6, सही है ना, और किसी से 8 नहीं आएगा, सही है ना, 7 तो होता ही नहीं है, तो हमारे पास 8 आने की प्रोबेबिलिटी, हमारे पास इवेंट का आउटकम हो गया 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, तो 5/36 ये आंसर हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है 5/36। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अफेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, सही ना, एक कॉइन टॉस किया जा रहा 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट जो है ना वन हेड अपीयर, एट मोस्ट वन हेड, कह रहा कि अफेयर कॉइन इज टॉस, थ्री टाइम्स What is the probability that at most one head appears? Kara, what is the probability that at most you know one head appears? One head appears. तीन कॉइन टॉस किया जाए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा हमारे पास 2^3 8, एट मोस्ट वन हेड कह रहा, वही बनाएंगे हम, दो कॉइन के लिए पहले बनाए, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, दो और बना लें, तीन कॉइन के लिए आ गया, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, इन चारों में एच लगा दे, इनमें टेल लगा दे, कह रहा एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट दैट एट मोस्ट वन हेड अपीयर, एट मोस्ट वन का मतलब वन और मोर देन वन, वन और मोर देन, यही बताया आपको, नहीं सॉरी, एटमोस्ट वन का मतलब वन और लेस देन वन, एटलीस्ट का मतलब होता है वन और मोर देन वन,
वन एंड आने के हमारे पास इसमें चांसेस एक ही है, एक ही है और एक ही है, तीन चांसेस है। लेस देन वन यानी एक भी चांस नहीं है, तो ये रहा एक चांस, फोर चांसेस है। तो इवेंट का आउटकम हो गया हमारे पास फोर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, 4 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा 1/2। ऑप्शन में दिया हुआ आंसर आपके पास 0.5 डिवाइड करके दिया हुआ है, नहीं 1/2 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, ये तो थ्योरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट इम्पॉसिबल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकलेगी। किसी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ना हम जीरो लिख देंगे, जीरो ऑप्शन में दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर इसके आगे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि टू डाइस आर रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सेम फेसेस इज, तो इवेंट का आउटकम दो ढाई रोल किया जा रहा है, इवेंट का आउटकम सेम फेसेस 1 1 2 2 3 3 4 4 6 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे हम स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 36, 1/6। ये ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है आपके पास 1/6। आखिरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की 1 है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/8। हमें कह रहा फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है जी, ये फार्मूला है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सम प्रिंसिपल रूल कहलाता है, इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये गिवन नहीं होता तो हम जस्ट इतना ही लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/2, ये दिया हुआ है 1/4, ये आ गया -1/8। इसका एलसीएम ले लें 8 4 2 -1 5/8, ये आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 5/8 आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो सारे मैंने आपको एनएडी वाले कर दिए। अब इसके बाद हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हुए वो करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर हम चलेंगे, पहले मैं उसकी सारी कंडीशन आपको बताऊंगा जिस तरह अभी मैंने बताई, फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।